नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ मैं इतना बढ़िया होंगे। तो भैया हम लोग हैं मेले में और झूले के ऊपर, तो काफी डर रहे हैं भैया। भाई मैं तो बहुत डर गया। तो आज यहाँ पे होगा रावण का दहन भी होगा, तो वो भी दिखाएंगे यार आपको। लगातार आप लोग वीडियो बने रहे, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और लगातार हमारे वीडियो बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। तो हम लोग झूले के ऊपर है भैया, बहुत डरते हैं यार। हमारे साथ में है और अभी अतीक को उतार दिए हैं क्योंकि बहुत डर रहा था। तो आज हम लोग फिर दोबारा आए, मतलब इस झूले पे हमको तो बड़ा मजा आया, तो दोबारा आ गए। तो हम फिर भैया के साथ आए हैं, तो देखो बिल्कुल टॉप पे रोक दिए हैं भैया हमको। यार यहाँ से बड़ा डर लग रहा है हमको, तो धीरे धीरे देखिए स्टार्ट कर रहे हैं भैया। क्या हेलो, क्या हाल है? मजा आ रहा है खूब? चलो देखो यहाँ से देखिए ट्रेन भी चल रही है, इधर मिक्की माउस है, बाकी इधर पूरा मेला लगा हुआ है, पीछे रावण बना हुआ है इधर, वो देखिए। अब तो स्टार्ट हो गया भैया, तो भैया स्टार्ट हो गया है अपना चक्का। हिसाब से मुकेश जी पकड़ के बैठना, हाँ बिल्कुल पकड़ के बैठो यार। अबे तेरी, ओ तेरी, ये अरे चार टिकट है दिखाओ। हाँ चार है, हम लोग चार, चार। तो देखो रेलवे स्टेशन में भीड़ कितनी है यार, अभी ट्रेन आ चुकी है मतलब प्लेटफॉर्म पे, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आओ चलो, हाँ हाँ आ जाओ, ज्यादा भीड़ है यार। चलो भैया चलो, पूरा डिब्बा अपना है एक भैया, पूरी ट्रेन फुल, अब ये चलेगी। तो भैया जगह नहीं मिली यार, पूरी ट्रेन बुक थी, तो दोबारा जब खाली होगी तब जाएंगे क्यों? आप बहुत लेट हो जाएंगे यार। देखो ये देखो ट्रेन, भैया सवारी लोड हो चुकी है चलने के लिए, सबसे पहला डिब्बा लिया हम लोगों ने। मुंबई जा रही सुनील यादव जी की याद आ गई, ट्रेन लवर है, तो हम लोग भी ट्रेन में बैठ गए, ड्रैगन ट्रेन में, तो पहले नंबर पे मिले नहीं था। देखिए चालू हो गई भैया, ये भी खतरा है कर्रा वाला। हॉर्न बजाओ यार, हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। तो साथ में हमारे मुकेश भैया हैं और अतीक जी हैं बम्बनपुर से आए साथ में, हर्षित भी है साथ में, तो आज पूरा एंजॉय कर रहे हैं। देखो चालू हो गई ट्रेन। अरे वाह, ये तो उससे खतरनाक है यार। प्लेटफॉर्म पे होके गुजर रही है। देखिए सबसे पहले डिब्बे में बैठे हैं भैया। ये प्लेटफॉर्म होके निकले। अरे तेरी, ट्रेन स्लो हो गई है, हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो यहीं पे हमको लग रहा है उतार लेंगे। क्यों उतार देंगे ना ये? तो भैया बहुत बढ़िया सफर रहा है यार। सफर कैसा लगा? मस्त, एकदम मस्त। अगर अच्छा लगा हो आपको तो अभी लाइक कर दो यार। चलो उतरो। और ये रावण सामने दिख रहा है, तो 5 बजे का समय दिया है इसको, इसका वध होगा 5 बजे। तो देखो रामलीला स्टार्ट हुई है, उधर एक रावण स्टेज पर भी है भैया, तो एक रावण इधर भी है, वध होगा इनका। तो भैया यहाँ चल रहा है दंगल, तो दंगल भी देखेंगे। 30 रुपये टिकट लगा दिया उसका, कल तक फ्री था, हम लोग आए तो टिकट लगा दिया यार, तो 30 रुपये टिकट, तो 4 लोग हैं, 120 रुपये पड़ेंगे। चलो देखते हैं भैया। तो दंगल के टिकट देने वाले कहाँ बैठे हैं देखो, इतने ऊंचे बैठे हैं भैया। तो भैया दंगल के टिकट मिल गए, बहुत बड़े बड़े टिकट हैं यार, 30 रुपये टिकट। चलो चलो अंदर चलो, चलो भैया। तो काफ़ी भीड़ है यार यहाँ, देखने वाले काफ़ी ज़्यादा आ गए। क्या बात है, अरे वाह बहुत जान लगती है, अरे हाल में चले आए। गलत का मतलब है
और दूसरी तरफ सोनू पहलवान पंजाब। वाह वाह क्या बात है, बादशाह पहलवान अभी नहीं, गाड़ी खतरे में लेकिन बच गया। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला चलता हुआ, अरे कहा होगी सोनू पहलवान फंस गया चांद पहलवान। ताली वाले जनता जोरदार, फंस गया हो गया। बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है सोनू पहलवान भैया, रावण का वध होने जा रहा है, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो 5 बज गया है तो आप रावण का वध करने जा रहे हैं, साथ में 3 भाई हैं और मुकेश भाई हैं। तो देखो भीड़ भैया बहुत ज्यादा है, पूरा सब मेला भरा हुआ खचाखच। तो भैया पटाखे चलने लगे हैं, रावण का वध होने वाला है। जय जय चालू है कार्यक्रम, भगे भगे पीछे भगे सब लड़के। अरे अरे भैया देख के देख के, आग लग चुकी है। क्यों आग लग चुकी है भैया? रावण में गोला बारूद बहुत है बता रहे हैं। अरे बाप रे, अरे ये देखो खत्म काम खत्म। अरे ये देखो खत्म काम खत्म। जय 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 खत्म। अरे देखो भीड़ क्या कर रही है सब, ये लकड़ियां उठाने के लिए जा रहे हैं। क्यों ये लकड़ियां बता रहे हैं, बहुत शुभ होती है इसलिए उठा के ले जा रहे हैं सब। तो एक मिनट के अंदर सारा काम खत्म, एक मिनट भी नहीं लगा यार। सब भीड़ देखे वापस जा रही है सब, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। गाँव के मेले में ज्यादा भीड़ होने के चांस भी होते हैं भैया। जल्दी जल्दी समय हो चुका है काफी, 5 बज गया, चलो घर चलते हैं। अरे सुरेश विश्वकर्मा जी मिले हैं, आप पिछली वीडियो में देखे होंगे, हमारे साथ गए थे। ये भी बढ़िया वीडियो बनाते हैं भैया, इनका भी एसएम मस्ती चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। तो इनके मेले में आए थे हम लोग, काफी मजा किए हैं। रावण वध हो गया है, हम लोग घर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यार हमको। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर, ठीक है ना। ठीक भाई आज पहलवान लड़के बहुत ज्यादा लड़के और बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो भैया इनको शांत कराने का था। धरी भीम शांत हो जाओ यार, तो लड़ाई लड़ लिए थे हमारे लिए, लड़ाई लड़ ली है, बोले वीडियो मत बनाओ, तो ये लड़ गए भाई साहब उससे। चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड ऐसे होने चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। क्यों भाई साहब? क्यों जी, मुकेश जी भी लड़े थे? हाँ, मैं बच्चों के लिए लड़ गया। चलो भाई, रावण की अस्थियां हम भी ले आए भैया, सभी लोग ले रहे थे तो हम भी ले लिए रावण की अस्थियां। ये भैया कुछ ज्यादा लेके जा रहे हैं क्यों? हेलो भैया जी, भैया जी, अरे सुनो सुनो यार, ये रावण का अस्थियां लेके जा रहे हैं, उसका काम क्या, मेन काम क्या इसका, बताओ तो यार, कुछ बताओ। पलकन में काय में रख दो, फिट करवा फिट करवा। अच्छा अच्छा, खटिया में फिट करने से बता रहे हैं, कटबल नहीं आएंगे भैया। बताओ तो यार, बताओ तो यार, बताओ बताओ, काय में फिट करोगे, काय में फिट करोगे, काय में फिट करोगे? क्यों, ये हमारे पास भी है, देखो थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। हाँ तो भैया खटिया में फिट करने से खटमल नहीं होंगे यार। हाँ ये भी ले आए भाई साहब, तो हम भी उठा लाए हैं, तो अब खटिया में लगाएंगे तो खटमल नहीं आएंगे बता रहे ये बढ़िया बताया यार, हम तो सोच रहे थे कि इसको रखने से कुछ और होता होगा यार, ये भैया बढ़िया बता के चले गए। खटिया में खटमल नहीं है, खटिया में खटमल अगर हटाना हो तो रावण की हथियार लगाओ खटिया में, ठीक है। ये बढ़िया है यार, तो हम भी ले आए भैया। तो धीरे धीरे गाड़ी के पास चल रहे पार्किंग में, अब भीड़ देखो यार, ये हाईवे पर आ गए हम लोग। अतीक भाई कहाँ है? अतीक भाई देखो, एक अतीक भैया गाड़ी के पास आ चुके हैं, तो यहीं से हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, चल रहे हैं घर। तो मिलते हैं किसी दूसरी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत और सभी को हैप्पी न्यू ईयर जी एडवांस में। और कल वीडियो आने वाला है हमारा 31 का, बहुत जबरदस्त, आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है सर।